नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम के थे, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में या क्लास 12th में, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो स्कूल को बिलोंग करते हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, वो अपने स्कूल में जाके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। उस पर आपका सेंटर चेंज आया होगा, रोल नंबर आपका शायद वही हो, रोल नंबर वही होगा, सेंटर चेंज आया होगा। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से एडमिट कार्ड ले लेंगे, और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके एडमिट कार्ड आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप पहले cbse.in पर जाइए, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप फोकस सेक्शन में चले जाइए, उसके में फोकस सेक्शन में एडमिट कार्ड ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद में आप रीजन क्लिक करिए, दिल्ली रीजन या अदर देन दिल्ली रीजन, राइट। और उसके बाद में आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, जब आपने अप्लाई किया होगा आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसका जो भी प्रिंट आउट आपके पास होगा एप्लीकेशन नंबर लिखिए। उसके बाद रोल नंबर लिखिए, अपना पुराना प्रीवियस रोल नंबर, और फिर अपना नाम लिखिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। वैसे तो डेट आपको पता ही है, मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो 17th को है, और 18th को SST का एग्जाम है, और 19th को साइंस का एग्जाम है, राइट। बाकी आपका एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ होगा, तैयारी आपकी चली रही होगी, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आप उनका भी फायदा उठाते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, सभी बच्चों को बताते रहिए, जो आगे पढ़ने वाली क्लासेस हैं उनके लिए भी, और जो पीछे है कंपार्टमेंट वगैरह के लिए भी, सभी के लिए। और अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लें, उसकी फोटो कॉपी करा के रख लें, वहां पे कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ होगा वो जरूर करके, फोटो कॉपी कराने से पहले या कराने के बाद में, कराने से पहले करा लें, तो एडमिट कार्ड इस तरीके से आपका निकलेगा। फिर दोबारा बता दूं, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड के कंपार्टमेंट का जो एडमिट कार्ड है वो स्कूल में आ चुका है रेगुलर कैंडिडेट के लिए, और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।